जय हिंद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास नंबर हमारी आर्टिकल की 5 नंबर क्लास रहेगी, और 4 नंबर क्लास में हमने रूल कर लिए थे 12 तक, ठीक है। 10, 11 और 12 रूल हमने किए थे। जो 10वां रूल था हमारा, 10वां रूल कौन सा था? 10वां रूल जो हमने पढ़ा था, 9 नंबर रूल की बात करें तो ओशियन सीज, और किसका था भाई, डेजर्ट बे, इसका नियम था, ठीक है। ओशियन रिवर्स बे डेजर्ट का नियम था। इनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते थे, ठीक है। तो उससे पहले हम 8वां रूल कौन सा था हमारा, न्यूज़पेपर का था, और 7वां रूल कौन सा था हमारा, ओली स्क्रिप्ट का था। इसी प्रकार से 6 नंबर रूल कौन सा था हमारा, माउंटेन रेंजेस का नियम था। और बात करते हैं 5 नंबर रूल की, तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात की थी हमने। 6, 4 नंबर रूल की बात करें तो यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक का नियम था। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 का नियम था जो पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम था। और बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 हमारा ऑफ द 2 का था, ठीक है। और फर्स्ट नंबर रूल था हमारा किसका था, सुपरलेटिव डिग्री का नियम। इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये सारे रूल हमने डिस्कस कर लिए थे क्लास नंबर 4 के तक, ठीक है। तो आज क्लास नंबर 5 में हम डिस्कस करने वाले होंगे किसका, क्लास नंबर 5 में हम आर्टिकल का रूल है, जो आर्टिकल दा का रूल है, किस कौन सा रूल है, आर्टिकल दा का 10वां रूल है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग और फोर्ट्स के पहले हम आर्टिकल दा का यूज हमने सीखा था। आर्टिकल नंबर रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 में हमने क्या सीखा था, रूल नंबर 11 के हमने सीखा था जो फिजिकल पोजिशन का नियम है। फिजिकल पोजीशन का यानी कि कहते हैं कि भौतिक स्थान को दर्शाने वाला शब्द होते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फिजिकल पोजीशन जिस प्रकार से सेकंड, फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, इस प्रकार से जो टॉप, बॉटम, नीचे से किसी की पोजीशन दर्शाने, ऊपर से किसी की पोजीशन दर्शाना, ठीक है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज हमें करते हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे थे 12 नंबर रूल की तरफ। 12 नंबर रूल हमारा क्या कहता है, वार एंड रिवॉल्यूशन, वार एंड रिवॉल्यूशन का नियम है, युद्ध और क्रांतियों का नियम, युद्ध और क्रांतियों का रिवॉल्यूशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन सही है ना स्पेलिंग, ठीक है। रिवॉल्यूशन का नियम हमने सीखा था कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, द सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, द बैटल ऑफ पानीपत, बक्सर है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज हमने यहाँ तक कर लिया था। अब बात करते हैं जो रूल नंबर हमारा 13, तो रूल नंबर 13 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 13 की ओर चलेंगे। जो हेवेनली बॉडीज का नियम है, हेवेनली बॉडीज जो ब्रह्मांडीय, जो हमारी क्या है, शाखाएं ब्रह्मांडीय, जो गतिविधियां हैं जिस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर, क्या है, धरती है हमारी, अर्थ है, सन है, मून है, इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो देखते हैं रूल नंबर 13 का। रूल नंबर है 13, हेवेनली, हेवेनली क्या है, हेवेनली बॉडीज का नियम। हेवेनली बॉडीज का नियम क्या कहता है, हेवेनली बॉडीज का नियम कहता है कि इनके पहले आर्टिकल द का यूज होना चाहिए, इसके पहले आर्टिकल है द का यूज होना चाहिए। जिस प्रकार से अर्थ, सन, मून, ठीक है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं बात करूं नॉर्थ पोल, पोल स्टार, क्या है, पोल स्टार, नॉर्थ पोल, पोल स्टार हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जिस प्रकार से हो गया हमारा साउथ पोल हो गया, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल, डैश आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। तो इन सभी के पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज हमें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूल कहता है। अभी
आर्टिकल दा का यूज हम यहाँ पर है करते हैं, आर्टिकल दा, आर्टिकल दा पोल स्टार, दा नॉर्थ पोल, दा साउथ पोल, ठीक है, दा आर्कटिक सर्कल, दा अंटार्कटिक सर्कल, इस प्रकार से हमारा रूल है यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। 13 नंबर रूल की हमने बात की, जिस प्रकार से एक एग्जांपल और है, जैसे कि लिखा है कहीं डैश वर्ल्ड, डैश वर्ल्ड, उससे पहले भी आर्टिकल किसका यूज करेंगे हम, आर्टिकल द का यूज यहाँ पर है करेंगे। इतनी बात सभी को अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें भी और आगे शेयर कर देना। अब बात करते हैं रूल नंबर 14 की, रूल नंबर 14 की जब बात करते हैं यहाँ पर कर लेते हैं, रूल नंबर 14 की, जब हमारे पास जगह पड़ी है तो क्यों, ठीक है, इसे आप इस साइड देख लेना, थोड़ा सा लिखा है जिसने लिख लेना, ठीक है। तो रूल नंबर 14 की जब हम बात करते हैं, रूल नंबर 14 है आपका किसका है, जो पर्टिकुलर सेंस में जब बात हो, पर्टिकुलर सेंस में तो बात होगी, प्लूरल सरनेम की बात हो, क्या आ जाए, प्लूरल सरनेम, प्लूरल सरनेम, प्लूरल सरनेम की जब बात हो रही होती है, ठीक है, तो उस केस में हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, प्लूरल सरनेम, जिस प्रकार से मैंने लिख दिया डैश वर्मास, वर्मास, ठीक है, डैश शर्मास, डैश कोई राजपूतास, ठीक है, राजपूताना, ठीक है। इस प्रकार से हम उसके पहले किसका यूज कर लेते हैं, आर्टिकल द का यूज हम कर लेते हैं, तो क्या हो गया, ये प्लूरल सरनेम हो गया। जैसे ही वर्माज अस लगा, क्या लगा पीछे, अस लगा, तो ये क्या हो गया, प्लूरल सरनेम हो गया, प्लूरल सरनेम हो गया, उससे पहले आर्टिकल द लगा देते हैं हम। जैसे ही आर्टिकल द लगता है तो उस केस में ये होल समस्त फैमिली, होल फैमिली की बात करता है, ठीक है, होल फैमिली यानी कि पूरी समस्त फैमिली की बात करेगा, ठीक है, यानी कि होल जहाँ पर दा लग गया, जहाँ पर है वहां पर होल फैमिली की बात हो रही होगी, ठीक है। इसी प्रकार से दा यहाँ पर भी लग जाएगा, दा सर्वा। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल क्या है कि डैश शर्माज हैव, डैश डैश शर्माज हैव, डैश शर्माज हैव, डैश शर्माज हैव शिफ्टेड, डैश शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड, रिसेंटली शिफ्टेड, डैश शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड, कहां पर है शिफ्ट किए हैं वो, टू फतेहाबाद, शर्मा अभी अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं फतेहाबाद से, ठीक है, तो फतेहाबाद से अभी अभी शिफ्ट हुए हैं क्या, शर्मा है वो रिसेंटली शिफ्टेड टू फतेहाबाद। तो देखिए भी उस केस में हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, शर्मा यानी कि उसकी पूरी फैमिली आई है, ना कि सिंगल व्यक्ति, तो होल फैमिली की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो प्लूरल क्या हो गया, प्लूरल सरनेम हो गया, और प्लूरल सरनेम के केस में आर्टिकल द का यूज हमें यहाँ पर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर देना भाई, और लाइक कर देना, आगे शेयर सब्सक्राइब कर देना भी चैनल को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 14 नहीं 15, रूल नंबर 15 की बात करते हैं अभी, अभी रूल नंबर 15 आपका क्या कहता है, रूल नंबर 15, रूल नंबर है आपका 15, ठीक है, रूल नंबर 15 किसका नियम है, पर्टिकुलर नाउन के पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं, पर्टिकुलर नाउन के पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने कह दिया बस डैश बॉय सिटिंग ऑन द बेंच, डैश बॉय सिटिंग क्या है, आप लिखो एग्जांपल है,
डैश बॉय आउटसाइड, डैश बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक है, डैश बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, क्या है आगे, डैश बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई, क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, इज माई स्टूडेंट, कि कह रहा है वह लड़का स्टैंडिंग, जो आउटसाइड, जो बाहर खड़ा है, वह मेरा क्या है, वह मेरा स्टूडेंट है। यानी कि जो लड़का बाहर खड़ा है पर्टिकुलर के बारे में बता दिया, माई स्टूडेंट है वह लड़का जो बाहर खड़ा है, वो लड़का, उस केस में आर्टिकल द का यूज करते हैं, यानी पर्टिकुलर के बारे में यहां पर बात हो रही है। जब पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही होती है उस केस में आर्टिकल द का यूज हम यहाँ पर करते हैं। तो इसी को मतलब सभी को समझ में आ गई होगी ये बातें। अब चलेंगे नेक्स्ट, जो हमारा रूल है, नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कौन सा है, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल और ले लेते हैं इसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल है आपका डैश डैश माई, क्या है, डैश मैन सिटिंग, डैश मैन सिटिंग, डैश मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच, डैश मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच, ठीक है, वह आदमी सिटिंग जो बैठा हुआ है ऑन बेंच है इज माई ब्रदर, ठीक है, क्या है, बेंच है इज माई ब्रदर, क्या है ये, वो मेरा भाई है। वह आदमी मैन सिटिंग, जो आदमी बैठा हुआ है ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर बैठा हुआ आदमी इज माई ब्रदर, क्या है, वो मेरा ब्रदर है, भाई है। वह आदमी जो बेंच पर बैठा हुआ है, बेंच पर बैठा हुआ है वो आदमी, तो उस केस में वह आदमी के लिए आर्टिकल द, पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है यहाँ पर, जो आदमी उस मेज पर बैठा, मेज पर जो आदमी वो बैठा आदमी, ठीक है, ठीक है। तो एक एग्जांपल जैसे आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, दो एग्जांपल से कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, ठीक है। क्या है कि एक एग्जांपल और है, क्या कहते हैं उसको, दिस इज द बुक विच स्टोल बाय यू, ठीक है, यानी कि जो पुस्तक तुम्हारे द्वारा चुराई गई थी वो कौन सी, वो बुक मेरी है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अगर बात कह रहा हूँ कि दिस इज द बुक, है वो पुस्तक है विच आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ये वही पुस्तक है, तो उसी केवल पर्टिकुलर पुस्तक के लिए हम आर्टिकल दागे करते हैं। इसी प्रकार से चलेंगे, हमारा रूल नंबर क्या है, रूल नंबर है हमारा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल, अच्छा रूल नंबर कौन सा चले है, 15 चल रहा है ना, 15 तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं रूल नंबर है 16 की, रूल नंबर है 16 की बात करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 16 क्या कहता है कि जहां पर होल लिखा हो, जहां पर होल लिखा हो, होल, ठीक है, इसी प्रकार से क्या लिखा हो, होल लिखा हो, कंप्लीट लिखा हो, कंप्लीट लिखा हो, होल लिखा हो, कंप्लीट लिखा हो, इंटायर और सेम लिखा हो, ठीक है, इंटायर और क्या लिखा हो, सेम लिखा हो, अगर उसके बाद में, अगर इन सभी शब्दों के बाद, इन वर्ड्स के बाद में क्या आया हो, नाउन आया हो, तो उस केस में इससे पहले जो आने वाला होगा क्या होगा, हमारा आर्टिकल होगा, ठीक है, इनसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा, और आर्टिकल कोई एन थोड़ी लगेगा, आर्टिकल क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज यहाँ पर हम कर रहे होंगे। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दिया जाए और आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, डैश होल बुक इज फुल ऑफ, एग्जांपल यहाँ तक दिखाई दे रहा है सभी को, तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर है, डैश यहीं लिख देता हूँ एग्जांपल, डैश होल बुक, डैश होल बुक इज
बुक इज क्या है, फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, जो समस्त बुक है, पूरी पुस्तक है, होल बुक है। क्या आ गया? होल आ गया, होल बुक आ गया, होल नाम आ गया। ठीक है, होल के बाद में आपका क्या आ जाए, मैंने बताया था नाउन आ जाए। बुक क्या है? नाउन है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? बुक है, नाउन है। तो उससे पहले, नाउन से पहले होल आया है, इन शब्दों में से कोई आ जाए तो आने वाला जो उससे पहले होगा आर्टिकल द का यूज हमें कर रहे होंगे। अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई है तो आगे नेक्स्ट रूल पर चला जाए। नेक्स्ट रूल है आपका 17 नंबर रूल है, जो रिलेटिव प्रनाउन से रिलेटेड है। रिलेटिव प्रनाउन से रिलेटेड हम रूल करेंगे, 17 नंबर रूल। ठीक है, तो चलेंगे रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 17 है आपका, रूल नंबर 17। ठीक है, रूल नंबर 17 क्या कहता है? रूल नंबर 17 है आपका, जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपके, कौन से है रिलेटिव प्रोनाउन है, हु विच और दैट, हु विच और दैट। ठीक है, हु विच और दैट, ये है आपके रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगर इनके बाद में क्या आ जाए, अगर इनके बाद में नहीं, अगर इनके पहले नाउन आ जाए, अगर इनके पहले नाउन आ जाए तो इनसे पहले आएगा आर्टिकल दा। तो उस नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। और अक्सर हम जानते हैं कि जनरल सेंस में हमें नाउन के पहले आने वाला कोई भी वर्ड है क्या होगा, आर्टिकल होगा। यानी कि आर्टिकल के बाद में आने वाला क्या होगा, नाउन होगा। जनरल सेंस, जनरल केस में अगर बात करें तो हर वो वर्ड जो आर्टिकल के बाद में आता है वो नाउन ही होता है। ठीक है, कोई जरूरी भी नहीं है जनरल सेंस में अगर बात करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज डैश बुक, दिस इज डैश बुक विच आई वाज लुकिंग, दिस इज डैश बुक विच आई वाज लुकिंग फॉर, दिस इज डैश बुक विच आई वाज, दिस इज डैश बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि ये वह पुस्तक है जिसको मैं ढूंढ रहा था, ये वही पुस्तक है यानी जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो पर्टिकुलर पुस्तक होगी कोई, तो उस केस में आर्टिकल द का यूज हम करते हैं, यानी कि वही पुस्तक है जिसको मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, तो द है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई है, यहां पर क्या आ जाए, Who, which, और क्या आ जाए, दैट। तो विच आया हुआ है, विच से पहले मैंने कहा नाउन आ जाए, नाउन भी आया हुआ है। और उस केस में उस नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप का साइन भेज दीजिए। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, एक एग्जांपल और इससे रिलेटेड हम देखते हैं क्या है। He is a dash boy who stole my book, क्या है बुक, हु स्टोल माई बुक। तो ही इज अ डैश बॉय, यह वह लड़का है हु, याद करो हु आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है, पर उससे पहले नाउन आ जाए तो
ये लेटिव प्रोनाउन वाला केस हम प्रोनाउन में करेंगे, ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना। तो नाउन आ जाए तो उस केस में आर्टिकल द का यूज हमें कर लेते हैं। तो इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। और अब मेरा क्लास का टाइम हो गया है आपका भी, ठीक है, तो घड़ी इशारा कर रही है, जैसा कि आपको पता है। आज की क्लास हम इतने ही रखेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और क्लास नंबर 6 के अंदर, ठीक है। तो क्लास नंबर 6 में हम मिलेंगे बहुत ही जबरदस्त 18 नंबर रूल के साथ में। और 18 नंबर रूल आपका है पर्टिकुलर का ही नियम है, जिस प्रकार से हमने ये किया, 17वां जो रूल हमने किया, ठीक है। तो ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और लाइक कर देना भी, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, लव यू।